I'm nobody to conclude anything, but yes, ये एक और शो, एक ऐसा शो है जो हमें सबको प्रेरणा देता है, अ थॉट टू डू समथिंग टूवर्ड्स मैनकाइंड, टूवर्ड्स सोसाइटी एट लार्ज. आई थिंक वी ऑल इंडियंस, आज अगर हम बात करें अपने देश की, 140 करोड़ की आबादी का देश है, अगर हम सब ये गांठ बांध लें कि हमको देश के प्रति कुछ कर गुजरना है, आई एम टेलिंग यू, जो मोदी जी का सपना है कि इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल वास्तविकता में आप देखोगे 2047 तक कि विल बी द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड. आज के अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दे आर दोस अनसंग हीरोज ऑफ लाइफ. आई कॉल देम द लिमिटेड एडिशन ऑफ द यूनिवर्स. इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर टू इन्वाइट ईच वन ऑफ देम हियर. Talk about them and present them with a small token of love, a memento, to acknowledge their efforts towards mankind. Aaj aur aap aur main jo zinda hain, in logon ki badalat hai. We have to appreciate and acknowledge every effort of the arts to understand what significance and what role they play in our lives. कहने का मतलब मेन तो मुझे जो फील हो रहा है वो यही कि अवार्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं उनको अवार्ड देना बहुत ही एसेंशियल है, और उससे सबको प्रेरणा भी मिलती है. जो आम जनता है हमारी, जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो भी उनसे रूबरू हो पाते हैं, उनकी स्टोरीज़ उनके मुँह से सुनना और जो छपता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है. जो रियलिटी में जो इमोशंस वो हमारे साथ शेयर करते हैं वो कमाल है. नमस्कार, मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव, अभिनेता हूँ. और अभिनेता जो है, जो किरदार दिए जाते हैं, जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन ये एम्पल मिशन ने ये जो एक मिशन शुरू किया है, इसमें हमें जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ ग्रहण करने का मौका मिलता है. इसके लिए मैं अनिल मोरारका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. ऐसी जगह आकर के इन तरीके, ऐसे पर्सनालिटी से मिल के जब हम जाते हैं तो हमारा जोश जो है वो चौगुना हो जाता है. थैंक यू. आई एम बॉबी खन्ना. जैसे मैंने स्टेज पे भी कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में हीरोज़ की तो भरमार है, जिनको मैं कागजी हीरो कहना चाहूँगा, क्योंकि वो कैरेक्टर्स कागज़ पर लिखे होते हैं जिनको हम लोग पोर्ट्रे करते हैं. मुझे, मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यूनिफॉर्म में रोल करने का एक दो बार मौका मिला. मैंने एक आर्मी ऑफिसर का भी रोल किया, एक नेवल ऑफिसर का भी. वो फीलिंग ही डिफरेंट है, और आज रियल लाइफ हीरोज़ को अपने सामने देख के खुशी तो होती ही है, एक इमोशन अंदर से जागता है, और हमें लगता है कि हाँ, इन शायद इन लोगों की वजह से ही ये संसार चल रहा है. और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, कई बार हमें जब ऐसे किरदार मिलते हैं कि हम लोग
जी जान से उसको करें और उसको यू नो थोड़ा बढ़ चढ़ के दिखाएं। बाबूलाल पारिक मेरा नाम है और सुल्तान सिंह जो हमारे गांव के हैं उन्होंने जो आज सुरवीर का कार्य किए हैं बहुत ही सराहनीय है, हमारे को उन पर बहुत बड़ा गर्व है, अच्छा कार्य किया उन्होंने। और ये जो अवार्ड का जो फंक्शन रखा है जो भी उसके लिए हमको बहुत खुशी है, ऐसा होना चाहिए, इससे सबको प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, उससे लोगों को आगे बढ़ने का एक जुनून मिलता है। और हमारा जो गांव के जो सुल्तान सिंह है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जो गुजरात में बाढ़ में तो काफ़ी आदमी उन्होंने बहुत अच्छा जान बचाई है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सुरवीर का कार्य किया है, इससे हम सबको प्रेरणा मिलता है। मैं किरणजीत सिंह शहीद भगत सिंह जी का भतीजा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एम्पल मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जहाँ अवार्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन दिए गए उन डिस्टिंग्विश लोगों को जिन्होंने देश और समाज के लिए एग्जेम्पलरी काम किया, आज इस मौके पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, बहुत खुशकिस्मती की बात है। डॉक्टर अनिल मुरारका जी ने और उनके साथियों ने अपने इस एम्पल मिशन के द्वारा समाज और देश के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं उनके लिए पूरा देश और पूरा समाज उन पर गर्व करता है और एक अच्छे समाज को बनाने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। देश के जिन शहीदों ने, जिसमें मेरे परिवार के कई लोग शामिल हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के बाद जिस देश का, जिस समाज का सपना देखा था, डॉक्टर मुरारका उसी सपने को पूरा करने के रास्ते पर लगे हुए हैं, संकल्पबद्ध हैं। मैं उन्हें और उनके सभी साथियों को समाज के पिछड़े वर्गों के लिए और उन तबकों के लिए जिन्हें आज तक वंचित रखा गया, उनके लिए जो वो काम कर रहे हैं बहुत बधाई देता हूं। और ये कामना करूंगा कि देश में ऐसे डॉक्टर अनिल मुरारका जैसे बहुत से लोग हों ताकि ये देश स्वर्णिम भारत बन सके और उन ऊंचाइयों को छू सके जिसका सपना शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके साथियों और लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था जिन्होंने बलिदान दिए थे। डॉक्टर मुरारका भी, इनके दादाजी भी फ्रीडम फाइटर थे और उसी लेगेसी को लेके ये आगे बढ़े हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरह देश और समाज को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने में एम्पल मिशन कामयाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज जो एम्पल मिशंस की ओर से मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे जो सहारना की ये जो इंस्पिरेशन अवार्ड दिया गया, इसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई फायर ब्रिगेड तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आने की और जो हमें काम करने की और इससे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। मेरा नाम रमेश प्रकाश सरतापे है, मैं भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ और हम लोग व्हीलचेयर जो क्रिकेट है आपने देखा होगा कि आपने जैसे देखा होगा कि जैसे कैच पकड़ते हैं, सिक्स मारते हैं, फोर मारते हैं, पर ये सब हम लोग व्हीलचेयर पे करते हैं क्योंकि आप लोग ने अभी तक देखा होगा कि व्हीलचेयर ओनली फॉर पेशेंट के लिए यूज़ होती है, पर हम व्हीलचेयर पे क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करते हैं, हमारे फील्डर जंप व्हीलचेयर दौड़ा के जंप भी मारते हैं और सिक्स भी मारते हैं, सेंचुरी मारते हैं, कि एक अलग रोमांच है हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट का। मेरा नाम अंजलि कुलते है और एम्पल मिशन ने जो मुझे 26/11 के कार्य के लिए सम्मानित किया है उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और आप इस इवेंट के बारे में आपकी क्या धारणा है? उन्होंने जो भी जिन्होंने कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए, देश के लिए कार्य किए हैं, तो उन्हें सम्मानित करने का जो ये कार्य कर रहे हैं तो समाज के लिए और विशेषकर हमारे सभी स्टूडेंट जो भावी विद्यार्थी है उन्हें एक इंस्पिरेशन मिल सकता है कि हमें देश के लिए क्या करना है और किस तरह से कार्य करने हैं। इट्स रियली अमेजिंग। अनिल सर के साथ पिछले 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ एंड वी डिड लॉट्स ऑफ इवेंट्स, मल्टी
ब्यूटी पेजेंट्स एंड ऑफ कोर्स यस बॉम्बे टाइम्स वाज द वन एंड मैं सच्ची बोल रही हूँ जिस तरह के अवार्ड शोज ही डू लाइक शूरवीर अवार्ड्स आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा उनका पहला इंटरेक्शन हुआ था इन शूरवीर अवार्ड्स और वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रही थी एंड आज का डेट है जहाँ पे मैं एज अ अवार्डी नॉमिनेट हुई और मुझे अवार्ड मिला तो मेरे लिए ये ह्यूज रिस्पेक्ट की बात है तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट इंटायर लाइफ हैज चेंज्ड लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ क्योंकि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जब जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखाते हैं जहाँ आप अपने खुद की ब्यूटी को शोकेस करते हो और ख़ासकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे मेरा हमेशा से ये था कि मैं एक टाइम ऐसा है जब मैं ई लिस्टेड डिज़ाइनर्स के लिए एज अ शो स्टॉपर वॉक करूँ और जब मैं अर्चना कोचर के लिए वेंडर रॉड्रिक्स के लिए एज अ शो स्टॉपर वॉक करी तो फॉर मी ऐसा था कि ड्रीम कम ट्रू एंड थैंक्स टू अनिल सर विदाउट हिज सपोर्ट आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल भी हो पाता more than a professional there is a emotional connection which I can say he's a very caring person to be very honest for everyone not for me but for everyone and whatever he do wo apne dil se karte hain entire I mean it's not about ki ha aap ek certain community se aate ho ya fir aapka ek certain ye hai nahi I mean I can say he's a person who is a very kind but at the same time he's a very down to earth